सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आप सोच रहे होंगे कहाँ से आ गया फिर से। सो गाइज, फाइनली मैं वापस आ गया हूँ। और थैंक्स गाइज, आपने 3K सब्स भी करवा दिए एंड 4000 आवर्स का वॉच टाइम भी हो गया। सो गाइज़, वो एक वीडियो जिसकी वजह से मतलब मैंने यूट्यूब पे जिसकी वजह से क्विट किया था, और वही मतलब अब 1 लाख के ऊपर पहुंच गई है। सो गाइज़, काफ़ी ज़्यादा मतलब खुशी हुई। सो अब मैं वापस आ गया हूँ। अब रेगुलर तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन कोशिश करूँगा हाँ कि जितनी ज़्यादा हो सके वीडियोज़ डालूँ। सो गाइज़, आज का ये जो वीडियो है, मतलब ये जो वीडियो है, तो ये अपडेट वीडियो होने वाली है। और इसमें मतलब एस और सिंथे की बैटल कब होगी, उसकी रिलीज डेट क्या हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। और पोकेमोन जर्नीस का एपिसोड 119 और 112 एंड 121, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इनका टाइटल्स क्या है, रिलीज डेट क्या है, और क्या हो सकता है इनमें, एंड एस और सिंथिया के बैटल के बारे में तो डेफिनेटली सी डिस्कस करेंगे। एंड काफ़ी ज़्यादा ऑसम वीडियो होने वाली है। सो अभी से लाइक कर दो। एंड सो गाइज, अगर ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। सो गाइज, चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं जर्नीज के एपिसोड नंबर 119 की। सो गाइज, इसका जो टाइटल है वह है कोहारू एंड ईवी, द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस एयरिंग ऑन अगस्त 5। मतलब 5 अगस्त को रिलीज़ होगा, और पहले 29 जुलाई को होने वाला था, लेकिन ये होगा मतलब 5 अगस्त को। और इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं होने वाला, फिलर एपिसोड होने वाला है। मेन तो हमें मतलब टूर्नामेंट से रिलेटेड एपिसोड देखने का है, और इसमें कोहारू और इसके ईवी के रिलेटेड होगा, और उसका शायद हो सकता है ईवी भी इवॉल्व हो जाए। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। 5 अगस्त को रिलीज़ होगा, और इसके बाद में पोकेमोन जर्नीज का एपिसोड नंबर 120 रिलीज़ होगा, द क्लाइमेक्स बिगेंस सातोशी मास्टर टूर्नामेंट एक्सपीरियंस। सो गाइज, 120 में अगस्त 12 को रिलीज़ होगा, और इसमें मतलब मास्टर टूर्नामेंट की भी हमें चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। और इसके बाद जो अगला एपिसोड है वो होगा पोकेमोन जर्नीस का एपिसोड 121, जो कि अगस्त 26 को होगा, सेमीफाइनल ओवरवेलमिंग विक्ट्री। तो ये सेमीफाइनल्स का होने वाला है, और हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहले सेमीफाइनल का आपको ही पता है कि लियोन और डायंथा का बैटल होने वाली है, जिसमें आप सबको पता है कि डायंथा आराम से हार जाएगी लियोन से। आराम से तो नहीं कहेंगे, उसने लेंस को हराया है, सो थोड़ी बहुत तो टक्कर मतलब थोड़ी बहुत तो इज्जत रखेंगे ही डायंथा की। सो मतलब डायंथा जो है इसमें हार जाएगी, और लियोन आराम से जीत जाएगा। एंड गाइस, जो सेकंड जो मतलब बैटल होने वाली है, जिसके बारे में हम सब वेट कर रहे हैं, वे है एस वर्सेस सिंथिया की बैटल। और गाइस, जो एस वर्सेस सिंथिया की बैटल है, कोई आम बैटल नहीं होने वाली है, एक लेजेंडरी बैटल होने वाली है। और ये बैटल ऐसी होने वाली है जो कि फैंस इस बैटल का सबसे मतलब आई थिंक से जब से सिंथिया इंट्रोड्यूस हुई है सिनो रीजन में, तब से वेट कर रहे हैं कि एस और सिंथिया की एक बैटल देखने को मिले, जो कि हमें देखने को मिलने वाली है। और इसके जो चांसेस बताए जा रहे हैं कि ये कब रिलीज़ होगी, सो गाइस, ये सितंबर में रिलीज़ होने के इसके चांसेस हैं, यानी कि 1 मंथ हमें वेट करना पड़ेगा। और उसके भी 2 सितंबर को चांसेस हैं कि ये रिलीज़ हो जाएगा एपिसोड। सो गाइस, मैं तो पर्सनली इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो लियोन से बैटल है उसके बारे में कन्फर्म थे, लेकिन हम इसके बारे में कन्फर्म नहीं थे कि ये बैटल होगी। और अब हम इसके लगभग कंफर्म हो गया है कि ये बैटल है और सितंबर में आएगी। सो काफ़ी वेट करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे। और इस बैटल के बारे में थोड़ा बताएं तो सिंथिया अपने मेगा गार्चोंक को तो डेफिनेटली यूज़ करेगी, और ऐसा अपने लुकारियो को यूज़ कर सकता है इसमें, और उसे मेगा इवॉल्व भी कर सकता है। एंड इसमें एस कैचम अपने ड्रैगनाइट को भी यूज़ कर सकता है, और साथ ही वो अपना कोई थर्ड पोकेमोन यूज़ कर सकता है अपने सरफेश को। और सिंथिया अपने यूज़ करेगी गार्चोंक को, मेगा गार्चोंक को, जो कि मेगा इवॉल्व मैंने कहा था, पहले भी प्रेडिक्शन की थी कि सिंथिया अपने गार्चोंक को मेगा इवॉल्व कर सकती है, क्योंकि सब कोई फिनोमेना यूज़ कर रहे हैं तो सिंथिया भी करेगी ही। सो सिंथिया ने किया और मेगा गार्चोंक कर लिया, मतलब मेगा इवॉल्व कर लिया अपने गार्चोंक को। सो वो मेगा गार्चोंक को यूज़ करेगी, और बाकी कोई भी पोकेमोन यूज़ कर सकती है। सो गाइस, हाँ यही थी आज की वीडियो। और आप बताना कि आप एस वर्सेस सिंथिया की बैटल के लिए एक्साइटेड हो या नहीं। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। और एस वर्सेस सिंथिया में आप किसे विनर देखना चाहते हो? मैं तो भाई एस को ही देखना चाहता हूँ, और एस ही जीतेगा, मतलब ये कन्फर्म है, लगभग 99.99% कन्फर्म है कि एस ही जीतेगा। और एस वर्सेस लियोन के मैं कन्फर्म नहीं है, हो सकता है लियोन जीत जाए, लेकिन एस ही जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। और एस इसमें मेगा इवोल्यूशन को यूज़ कर सकता है। और हाँ गाइस, यही थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। तो आज मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।